दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। अगर आप नई ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर ट्रेनों में हद से ज़्यादा भीड़ है और वेटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अब भारतीय रेलवे ने आपकी सुन ली है। कुछ और नई ट्रेनों को फरवरी के महीने में चलाया जाएगा। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, कब तक चलेंगी, टाइमिंग क्या है और ट्रेन में किस टाइप के कोचेस लगाए जा रहे हैं, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सारी डिटेल्स आज आप इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही स्पेशल ट्रेनों की जो टिकट बुकिंग होती है वो कभी भी ओपन हो जाती है। कुछ ट्रेनों की टिकट बुकिंग सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खुलती है और कुछ ट्रेनों की टिकट बुकिंग कभी भी दिन में खुल सकती है। तो खैर, जितनी भी ट्रेनों के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इन ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों की टिकट बुकिंग ओपन हो गई है और कुछ ट्रेनों की टिकट बुकिंग आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर 1 हफ्ते के अंदर ओपन हो जाएगी। अगर आप फरवरी के महीने में यात्रा करने वाले हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित होंगी। खैर, रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही नई ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 09515 मदुरई ओखा स्पेशल, ये ट्रेन हर शुक्रवार वाले दिन मदुरई से रात में 1:15 पर चला करेगी। लगभग 57 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन ओखा सुबह 10:20 पर पहुंचा करेगी। 47 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। दोस्तों अगर कोचेस की संख्या की बात की जाए तो जनरल के 4 कोच, स्लीपर के लगभग 12 कोच, थर्ड एसी के 3 कोच और सेकेंड एसी का 1 कोच इस ट्रेन में लगाया जाएगा। फिलहाल इस ट्रेन के सभी कोचेस ICF रेक के रहेंगे। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09420 तिरुचिरापल्ली अहमदाबाद स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर रविवार वाले दिन तिरुचिरापल्ली से सुबह 5:40 पर चला करेगी। लगभग 39 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन अहमदाबाद रात में 9:15 पर पहुंचा करेगी। 31 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। अगर इस ट्रेन के कोचेस की बात की जाए तो इस ट्रेन में जनरल क्लास के लगभग 4 कोच, स्लीपर क्लास के लगभग 12 कोच, सेकेंड एसी का 1 कोच और थर्ड एसी के 3 कोच लगाए जाएंगे और ये ट्रेन ICF रेक के साथ रन करेगी। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 03251 दानापुर बेंगलोर सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन हर रविवार और सोमवार को दानापुर से दिन में 3 बजे चला करेगी और लगभग 46 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन बेंगलोर दिन में 1 बजे पहुंचा करेगी। अगर इस ट्रेन में कोचेस की संख्या की बात की जाए तो इस ट्रेन में जनरल के 3 कोच, स्लीपर के लगभग 12 कोच, सेकेंड एसी के 2 कोच और थर्ड एसी के 4 कोच लगाए जाएंगे और ये ट्रेन ICF रेक के साथ रन करेगी। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04152 मुंबई LTT कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर शनिवार वाले दिन मुंबई LTT से शाम को 5:15 पर चला करेगी। 22 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल दिन में 3:45 पर पहुंचा करेगी। लगभग 9 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। अगर इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की बात की जाए तो जनरल के लगभग 5 कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे, स्लीपर के 8 कोच लगे हुए रहेंगे, थर्ड एसी के भी 8 कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे, केवल 1 सेकेंड एसी का कोच इस ट्रेन में लगाया जाएगा। दोस्तों मुंबई से प्रयागराज और कानपुर की ओर आने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन बहुत बढ़िया विकल्प साबित होगी। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 02200 मुंबई बांद्रा टर्मिनस वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर रविवार वाले दिन मुंबई बांद्रा टर्मिनस से सुबह 5:10 पर चला करेगी। 23 घंटे 50 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुबह 5 बजे पहुंचा करेगी। इस ट्रेन को लगभग 19 स्टेशनों पर रोका जाएगा और अगर इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में जनरल के 3 कोच, स्लीपर के 8 कोच, सेकेंड एसी का 1 कोच और थर्ड एसी के 8 कोच लगाए जाएंगे। ये ट्रेन LHB रेक के साथ रन कर रही है। फिलहाल इस ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है कुछ दिनों के अंदर। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04165 आगरा कैंट अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर बुधवार वाले दिन आगरा कैंट से रात में 8:20 पर चला करेगी। 14 घंटे 40 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन अहमदाबाद अगले दिन में 11 बजे पहुंचा करेगी और इस ट्रेन को लगभग 10 स्टेशनों पर रोका जाएगा। ट्रेन में जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09628 सोलापुर अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर गुरुवार वाले दिन सोलापुर से
दोपहर में 12:50 पर चला करेगी। 28 घंटे 15 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन अजमेर शाम को 5:05 पर पहुंचा करेगी। लगभग 13 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के कोचेस के साथ साथ जनरल क्लास के भी कोचेस लगाए जाएंगे। फिलहाल रेक कॉम्पोजिशन अभी आउट नहीं हुआ है, जैसे ही रेक कॉम्पोजिशन आएगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचा दूंगा। फिलहाल दोस्तों, लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 07008 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार वाले दिन रक्सौल से शाम को 7:15 पर चला करेगी और लगभग 38 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन सिकंदराबाद सुबह 10 बजे पहुंचा करेगी। 19 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में जनरल के 18 और स्लीपर के 4 कोच लगाए जाएंगे। ये ट्रेन ICF के CBC रेक के साथ रन करेगी। फिलहाल दोस्तों, ये थी उन सभी ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों को फरवरी के महीने में चलाया जाएगा। आप इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग अभी से कर सकते हैं। नई ट्रेनों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो या फिर किस रूट की नई ट्रेन आप देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके रूट की कोई भी ट्रेन चल रही होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचा दूंगा। क्या आप होली स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।